हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल किचन स्कूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी का कोई ना कोई ऑल टाइम फेवरेट स्नैक रेसिपी होता है। सैंडविच मेरा ऑल टाइम फेवरेट। आप चाहे इसे मुझे ब्रेकफास्ट में दे दीजिए, लंच में दे दीजिए या फिर डिनर में दे दीजिए, मैं इसे खुशी खुशी खा लूंगी। वैसे तो सैंडविच बनाना बहुत ही सिंपल है, बस ब्रेड के दो पीसेस ले लीजिए, उसमें थोड़े से वेजिटेबल के स्लाइसेस डाल दीजिए और सैंडविच बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली जो सैंडविच बहुत पसंद है वो है मुंबई स्टाइल सैंडविच। इस सैंडविच की स्पेशलिटी ये होती है, इसमें ग्रीन चटनी का इस्तेमाल होता है जो की कोरिएंडर और चिली का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ये बहुत ही स्पाइसी होता है और इसमें मसाले वाले आलू डलते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मुंबई स्टाइल सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चटनी प्रिपेयर करेंगे। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे, जिसमें हम दो लहसुन की कलियां, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, एक चौथाई कप पुदीने का पत्ता, दो हरी मिर्च, फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप धनिया पत्ता और थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे सैंडविच के लिए यहाँ पे हरी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और आलू का मसाला बनाने के लिए चलेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही आलू अच्छे से मैश हो जाएगा, इसमें हम एक छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा आलू का मसाला भी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और सैंडविच के प्रिपरेशन के लिए चलेंगे। क्योंकि मैं दो सैंडविच बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने चार ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आपको जितना सैंडविच बनाना है आप उस हिसाब से ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा चटनी स्प्रेड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे आलू का मसाला। आप यहाँ पे चाहें तो सबसे पहले बटर लगा सकते हैं, उसके बाद चटनी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज़ का एक स्लाइस डालेंगे। आप चाहें तो आप चीज़ को ग्रेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे चीज़ को स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक कैप्सिकम का स्लाइस डालेंगे, एक प्याज का स्लाइस डालेंगे और एक टमाटो का स्लाइस डालेंगे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला। अब ये एक और ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसमें थोड़ा सा चटनी स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे भी आप चाहे तो पहले बटर फिर चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे इस तरह से टमाटो के ऊपर रखेंगे और इसे हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे सैंडविच मेकर को गर्म कर लेंगे। वैसे तो आप इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर का भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं, लेकिन जो टिपिकल मुंबई वाला सैंडविच बनता है वो इस तरह से बनता है। तो ये देखिए, अब ये जैसे गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे, फिर इसके ऊपर हम सैंडविच को रख देंगे। सैंडविच के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक सैंडविच दोनों साइड से गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे दोनों साइड से पका लेना है। अब
बीच बीच में इसे ओपन करके थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे सैंडविच को एक पेपर प्लेट के ऊपर निकाल रही हूँ, जिस तरह से आपको नॉर्मली स्ट्रीट फूड के जॉइंट्स पे मिलता है। आप इसे नॉर्मल प्लेट पे भी निकाल सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसे सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर थोड़ा सा चीज भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी मुंबई स्टाइल मसाला सैंडविच बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ हम थोड़ी सी हरी चटनी सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे टमेटो केचप या फिर कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इससे हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा।